हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए थे सैंपल पेपर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो 7 में क्या दे रखा है। ए रिलेशन आर इन द सेट a 1 2 3 इज डिफाइन एज आर इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। इसने बोला है कि इस रिलेशन में से मैं कौन सा ऑर्डर पेयर को रिमूव करूं जिससे कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता होगा कि अगर एक्स कोमा वाई हमारा रिलेशन में है तो वाई कोमा एक्स भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पे आपका 1 कोमा 2 तो है मगर 2 कोमा 1 रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए आपको 1 कोमा 2 जब आप रिमूव करते हो तो फिर हमारे पास जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th में आपको दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है 2a+ का b, a- का 2b और 5c-d और 4c+ का 3d इक्वल टू 4 -3 11 24। आपको a+b-c+2d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 2a+ का b इज इक्वल टू 4 क्यों हो जाएगा? 2a+ का b इज इक्वल टू 4 और a- का 2b इज इक्वल टू -3। उसके बाद फिर 5c-d इज इक्वल टू 11 एंड 4c+3d इज इक्वल टू 24। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, वैसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं मगर आप डायरेक्ट देखो ए को 1 और बी को 2 पुट कर रहे हो तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसलिए ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 इसका ये आंसर आया। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो सी को 3 और डी को 4 पुट करो तो सेटिस्फाई कर रहा है। सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। बाकी आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, आपसे पूछा गया है a+b-c+2d। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 प्लस 2 टाइम्स डी की वैल्यू 4। ये हमारे पास आ गया 8 और 3 - का 3 हो गया 0। तो आपके पास आंसर आ गया 8, ये इसका ए आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th में इसने बोला है कि द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1/x वेयर एक्स इज पॉजिटिव इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इसके मतलब आपको इस क्वेश्चन में नॉर्मल क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है लाइन के। ठीक है ना, नॉर्मल आपको परपेंडिकुलर दे रखा है लाइन के। तो एक बार इसको देखें, आपको जो नॉर्मल दे रखा है ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर दे रखा है हमें लाइन के। इसका मतलब जो टेंजेंट है वो क्या हो गया? पैरेलल हो गया लाइन के। इसका मतलब टेंजेंट हमारा पैरेलल हो गया लाइन के। अब हम पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और लाइन का स्लोप निकालेंगे, उन दोनों को इक्वेट करेंगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। यहां से अगर मैं dy/dx निकालता हूँ तो आएगा 1 -1/x2। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास m1 मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1 -1/x1 का स्क्वायर। अब लाइन हमें क्या गिवन है? 3x-4y-7 = 0। यहाँ से अगर इसका स्लोप निकालेंगे m2 स्लोप ऑफ लाइन तो -a/b हो जाएगा। भाई ax+by+c = 0 में स्लोप क्या होता है? माइनस का a/b, तो हो जाएगा -3/-4 मतलब 3/4। अब यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो गया लाइन के तो ये दोनों स्लोप बराबर हो जाएंगे। भाई m1 बराबर क्या आ जाएगा? m2 के, मतलब कि 1 -1/x1² = आ गया 3/4। 1 -3/4 यहाँ से मतलब 1/x1² = आ गया 1/4 और x1² = आ गया 4। जहाँ से x1 की वैल्यू ±2 आ रही है मगर हमें क्या लेनी है? x1 = +2 ही लेनी है क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो x है हमारे पास वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब x1 की वैल्यू अगर = 2 है तो आप उसे अपने कर्व में पुट करेंगे तो y1 आएगा। y1 = x1 + 1/x1 तो आएगा 2 + 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 5/2। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करके 5/2 तो हमारा पॉइंट आ गया 2,5/2 जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है ए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। 10 नंबर में आपसे बोला है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो आपको पता है टेन गिवन है, आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। तो आप इससे ट्राइंगल बनाओगे तो टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग ए मानते हैं तो टेन ए कितना आ जाएगा हमारा? टेन हमारे पास आ जाएगा एक्स, एक्स अपॉन में 1 लिख सकते हैं इसको।
अगर इसका ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा वन, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हाइपोटेन्यूस आ गया 1 + x² पाइथागोरस से। अब आपको साइन निकालना है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसका आंसर आ गया एक्स अपॉन में रूट में 1 + x², तो इसका आंसर हमारे पास हो गया डी। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने हमें रिलेशन दे पहले दे रखा है, लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स वैल्यू है 0 से लेकर के 12 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 12 तक। आर हमारे पर रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी, वेर ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी का है मल्टीपल 4, तो इसने बोला देन वन, मतलब द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन में, वन से रिलेशन में होंगे, मतलब ऐसे आपके पास वैल्यूज, जो सेट की वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी जिनका रिलेशन वन से आपके पास इसको फॉलो करेगा। मतलब देखो, हमने लेट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू ए, ये एक नंबर मैंने मान लिया जिसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, इक्विवेलेंस क्लास होंगी, तो एक्स कोमा वन हमारा रिलेशन में लाई करेगा, इसका मतलब एक्स माइनस वन का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ ऑफ 4। अब देखो एक्स माइनस वन का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 कब होगा, अब 0 से लेकर के 12 तक की सारी पॉसिबल वैल्यूज में पुट करके देखो, एक्स की जगह पर आप ऐसा क्या लिखोगे कि एक्स माइनस वन करने पर मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। एक तो वन, 1 - 1 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, फिर आप 5 लिख सकते हो, 5 - 1 आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 होता है, और उसके बाद फिर हम लोग 9 लिख सकते हैं, 9 - 1 मतलब कि 8 मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे 12 तक है तो और वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है ना, ए इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो इसमें हम इसको वैसे तो डायरेक्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, मगर सिंपलीफाई करने के लिए इसको बोथ साइड डिवाइड करा दो ई की पावर एक्स प्लस वाई से, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ई की पावर वाई अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वाई, यह आ गया ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप इसका डायरेक्टली कर दो, अब इसका डायरेक्टली करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर फंक्शन ई की पावर फंक्शन इंटू में डायरेक्टली फंक्शन, तो माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस एक्स का माइनस वन इक्वल टू वन का 0। ठीक है, तो आ गया माइनस का ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा तो आएगा प्लस का ई की पावर माइनस एक्स, ये उधर माइनस तो उधर चला जाएगा, और जब ये उधर डिवाइड में जाएगा तो देखो लिख देता हूँ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, अभी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस का एक्स, ठीक है ना, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ गया, ई की माइनस का ई की पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है जी, ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, गिवन एट अ मैट्रिक्स ए एन बी आर ऑफ ऑर्डर, ये ए का ऑर्डर दे रखा है हमें 3 इंटू में एन, और बी का ऑर्डर दे रखा है हमें एम इंटू में 5, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी, सी का ऑर्डर निकालना है जो है 5a प्लस का 3b। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर ये चीज प्लस हो रही है तो इनका ऑर्डर आपस में क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा तभी वैल्यू प्लस हो पाएगी, तो उसका मतलब 3 इक्वल टू एम हो जाएगा और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसीलिए आपके पास, और जो इनको ऐड करके आएगा वो इसी के ऑर्डर के बराबर होगा, क्योंकि प्लस में माइनस में ऑर्डर हमारे पास सेम होते हैं, तो सी का ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 3 × 5, ये हमारे पास सी का ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, तो 3 × 5 बी इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये 13 था, 14 में दे रखा है वाई इज इक्वल टू 5 cos x - 3 sin x, इसने बोला है डबल डेरिवेटिव क्या होगा, भाई वाई डैश निकालोगे वो क्या होगा, 5 cos का - sin x - 3 sin का cos x। ठीक है, उसके बाद फिर डबल डैश निकालोगे तो आएगा -5 बाहर sin का cos x, -3 बाहर cos का - sin x। अगर यहां से आप माइनस को मोलोगे तो क्या आएगा, 5 cos x - 3 sin x, जो कि किसके इक्वल हो गया, वाई के, तो आ गया माइनस का वाई, वाई डबल डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, वाई डबल डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का वाई, तो माइनस का वाई ऑप्शन हमारा आएगा ए, तो 14 का हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है जी, उसके बाद फिर
क्वेश्चन नंबर देखो 15। 15 में इसने बोला है इफ फॉर मैट्रिक्स ए, 15 में आपको दे रखा है ए, हमें दे रखा है मैट्रिक्स 2 -11 5 7। आपको एडजोइंट ए का ट्रांसपोज निकालना है, एडजोइंट ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है जी। अब एडजोइंट ए हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज मतलब यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2, इन दोनों के साइन चेंज मतलब 11 और -5। अगर अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 -5 11 और 2, मतलब रो को कॉलम में लिख दिया। तो अब देखो आपका कौन सा आंसर मैच करा है इसमें, 7 11 -5 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, 16 में इसने बोला है द पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 + y²/16 = 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई टेंजेंट हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस देखना है, ठीक है, देखो कैसे देखेंगे। वैसे तो इसका पहले मैं एक बार डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है इसका, आपने एलिप्स बनाया, एक्स के नीचे 3 है, वाई के नीचे 16 है मतलब 4 का स्क्वायर, तो आपका एलिप्स लगभग ऐसा बनना है, ये एलिप्स बनना है। अभी बताओ इसमें टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कहाँ बन सकता है, एक तो आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ बन सकता है या फिर यहाँ बन सकता है, तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया, +-3,0। ये तो हमारे पास देखो डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका हो गया। बाकी हम बाई मेथड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका टेंजेंट का स्लोप वाई एक्सिस के स्लोप के बराबर रखना होगा, है ना। तो देखो x²/9 + y²/16 = 1, तो इसका डायरेक्टली 2x/9 + 2y dy/dx, यहाँ पे 16 बाहर, = 1 का 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy/dx हमारे पास आएगा -16x/9y। तो m1 क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट -16x1/9y1। अब m2 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ y एक्सिस है, स्लोप ऑफ y एक्सिस वो क्या होता है, इन्फिनिटी। आप m1 = m2 लिखूंगा, मतलब कि m1 = m2 लिखने पे क्या आएगा, -16x1/9y1 = इन्फिनिटी। तो यहाँ से y1 = क्या आ गया, 0, y1 0 आ गया, तो y1 को 0 हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x²/9 + 0² / 16 = 1। तो x²= 9 और x1 = +-3, तो हमारे पास पॉइंट आ गया +-3,0, ठीक है ना। बाकी इस ऑप्शन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको क्या दे रखा है कि गिवन डेट a = aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, डिटर्मिनेंट ऑफ a = -7, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए समीशन की। भाई a का डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है = -7, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, i = 1 से लेकर के 3, a i 2 और a i 2, इसका मतलब हम i की जगह पे ना एक बार 1 पुट करेंगे, 1 से लेकर के 3 तक की वैल्यू पुट करेंगे और प्लस करेंगे, तो हम i की जगह पे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, a 1 2 और a 1 2, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a 2 2 a 2 2, 3 पुट करेंगे तो आएगा a 3 2 और कैपिटल a 3 2। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास a 1 2 a 2 2 और a 3 2, ये हमारे पास a 1 2 a 2 2 और a 3 2, मतलब हमारे पास ये कोरस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला गया डिटरमिनेंट, ये बाय सेकंड कॉलम, तो इक्वल टू किसको होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। भाई हम डिटरमिनेंट को 6 वे में निकाल सकते हैं, बाय r1 r2 r3 c1 c2 c3, किस में, 3×3 ऑर्डर में, तो इसका आंसर आएगा -7 ही, तो बी इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हमारे अगली वीडियो में, ठीक है।